महज 3 दिनों बाद नए साल का आगाज हो जाएगा और हम वर्ष 2023 को छोड़कर 2024 में प्रवेश कर लेंगे, जिसके बाद 16 जनवरी 2024 के बाद से शादी विवाह के शुभ मुहूर्त निकलने लग जाएंगे और वर वधु के जोड़े भी नए जीवन में बंधने लग जाएंगे। ऐसे शुभ कार्य में वर से लेकर वधु पक्ष के लोग हर कोई नए जोड़े को शगुन के तौर पर सोने चांदी के आभूषण देना खूब पसंद करता है। आने वाले वर्ष 2024 में वो कौन से दिन होंगे जिस दिन आप सोने चांदी के आभूषण खरीद सकेंगे जो आपके लिए मंगलकारी होंगे? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य धर्मेंद्र दुबे से। मैं धर्मेंद्र दुबे, विश्वकर्मा मंदिर पुजारी, तेंदुखेड़ा। चूंकि संक्रांतियां होती हैं, अभी वर्तमान में धनु की संक्रांति धनाष्टक चल रही है और 14 जनवरी तदुपरांत 15 जनवरी 2024 से मकर राशि पर सूर्य आ जाएंगे। मकर की संक्रांति को विशेष शुभ माना गया है और 16 जनवरी से विवाह कार्य शुरू होंगे। अब विवाह कार्य के उपरांत दौरान में अपन शुभ कार्य करते हैं तो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि सोना और चांदी दहेज के रूप में चढ़ाने देने के लिए। तो ग्रह जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सोम ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह। तो सोम ग्रहों को शुभ माना गया है और सोम ग्रह जैसे कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों में अपन को कोई भी वस्तु या सामग्री यदि खरीदें तो शुभ माना गया है। और दूसरी बात, इस नक्षत्र होते हैं तो नक्षत्रों में 27 नक्षत्र जो हैं, 27 नक्षत्रों में पुख नक्षत्र को विशेष शुभ माना गया है और रवि या गुरुवार को पुख नक्षत्र पड़े तो उसका विशेष महत्व होता है। और इस नक्षत्र में इन दिनों में यदि अपन कोई भी कार्य करते हैं या कोई वस्तु सोना चांदी वगैरह सामग्री खरीदते हैं तो उन्हें विशेष शुभ माना गया है और वो लाभप्रद होते हैं, लाभकारी होते हैं।